रेडियो सिटी 91.1 FM पे रांची डायरीज की टीम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अनुपम सर के लिए मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा था, वो मैं पढ़ लेता हूँ। सो एक कुशल वक्ता, एक बेहतरीन शिक्षक, एक्टिंग स्कूल ऑफ इंडिया, वेरी प्राउड लीडिंग लाइट ऑफ इंडियन सिनेमा, लिविंग लेजेंड और नव निर्वाचित FTII चेयरमैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाकी जो चीजें आपने छोड़ दी कि गुड लुकिंग, सेक्स, ये सब चीजें मेंशन करने के लिए बची नहीं है सर, आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। चलो ठीक है, थैंक यू, बट थैंक यू फॉर योर लव एंड वार्मथ, इट्स वंडरफुल। या इट्स अ लॉन्ग जर्नी, काफी लंबी जर्नी है, मतलब 33 साल तो फिल्मों में हो गए, 508 फिल्में, पर जिंदगी का जज्बा बरकरार रहना चाहिए, जोश रहना चाहिए। आपके यहाँ आके भी आपसे भी बात करते हैं तो आपसे भी जोश मिलता है। वो उनके बाद म्यूजिक चलना शुरू हो गया मोबाइल पर, फिर जिस तरह से उन्होंने मुंह बनाए वो भी, उससे भी मसाला मिलता है ना। एक्टर को तो यही चाहिए होता है, गलती में कैसे, और आपने बड़ा अच्छा बोला, आप चलें शुरू करें। तो दीज आर द थिंग्स दैट ऑब्जर्वेशन जो है वो लाइफ को रिच करती हैं, एज एन एक्टर, एज ए पर्सन, दैट्स व्हाट कीप्स मी अलाइव एंड किकिंग। सर लेकिन 500 से ज्यादा फिल्में आपने कर ली है, इतने साल हो गए, और फिर से आप एक छोटे शहर वाली फिल्म में, मतलब इस, क्योंकि रांची डायरीज ऑल अबाउट स्मॉल टाउनर्स और ये बहुत सारी बात हो रही है, तो आपको पीछे क्या याद आता है? जब मेरा 500वां नंबर फिल्म का हो गया तो फिर मैंने सोचा अब मैं 500 बोल जाता हूँ तो मेरी 8वीं 9वीं फिल्म देखा जाए तो नहीं। आई थिंक रांची डायरीज की कहानी जब सात्विक मेरे पास लेकर आए थे, बताओ एक्टर सुनाने आए थे कि ये मेरी कहानी है सर, इसमें ये आपका रोल है, विलन का रोल है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत दिनों बाद कोई विलन का रोल ले रहा है। इट वाज अ वेरी स्टाइलिश काइंड ऑफ अ विलन, नॉट नेसेसरली वो जो तो खतरनाक लाइनें बोलता है दूर से, जिसकी घाव नजर आता है, मस्सा वस्सा होता है, खूंखार तरीके से हंसता है, म्यूजिक कॉन्शियस। बट सर आप तो उस दौर में भी थे, मतलब वो भी आपने किया है। तो वो रीइन्वेंट करने की बात है ना, वो भी मजा आता था बहुत दूर से। जब मैं एक पत्थर की आंख की थी मैंने एक फिल्म में मिथुन दा के साथ, उसमें मैंने एक आंख पत्थर की लगाई थी, वो उन दिनों लेंस भी इतने खतरनाक होते थे कि पूरा लगता था पत्थर डाल लिया है। और फिल्म मलाड़ में हम उसके वहां पर मड आइलैंड में शूटिंग करते थे, बर्बाद हो जाते तो मुझे लगता था पत्थर पिघल के ना मेरी नाक पे आ जाएगा। मुझे बड़ा मजा आता था, मैं ब्रीचेस पहन के बहुत सारे, तो आई थिंक दैट वाज दैट आई वुड लव टू डू दैट स्टिल। कितने एक्टर्स में गट्स हैं जो इस तरह के रोल कर सकते हैं, बिकॉज यू सी क्रेडिबिलिटी उसमें है जो आप कन्विंस नाउ एज ए पर्सन। आई थिंक दैट इज व्हाट इज टू डू इट क्रेडिबली। और मैंने मिस्टर बच्चन से सीखा जी, मिस्टर बच्चन की एक फिल्म है कुली, जिसमें वो रेलवे कंपार्टमेंट में बैठे हैं और उस दो चीजें आ रही हैं, एक रेडियो स्टेशन पर, एक अंडा कैसे बनाते हैं, मतलब ऑमलेट कैसे बनाते हैं, और एक योगा कैसे करते हैं। अब देखने में बड़ी रिडिकुलस चीज लगती है, मतलब जिस कन्विक्शन से मिस्टर बच्चन करते हैं मुझे लगा ये कन्विक्शन चाहिए हमको एज एन एक्टर। तो आई थिंक दैट्स व्हाई इसका तो रोल बड़ा स्टाइलिश है। तो जब मुझे सात्विक सुनाने आए तो मैंने कहा कि ठीक है आपकी कहानी अच्छी है, आपका मेरा रोल अच्छा है, आप प्रोड्यूसर को भेज दीजिए। तो बोले प्रोड्यूसर तो है नहीं है, तो ये इनका अच्छा तरीका था। फिर मैंने कहा लेके आइए, प्रोड्यूसर हो जाएगा। तो पहले से जानते थे सर? नहीं जी, नहीं, दूर तक नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता था। इन्होंने आई डोंट नो कितनी बार फोन वोन किए, बट आई थिंक आई एम नोन टू बी अप्रोचेबल पर्सन, बिकॉज आई थिंक आई सी लॉट ऑफ होप इन न्यू टैलेंट। इसलिए जब दिवाकर बैनर्जी भी आए थे घोसला का घोसला लेकर, या नीरज पांडे आए थे अवेयरनेस डे लेकर, वो हीरे निकले ना कमाल के, मेरे अनमोल रतन, ये भी एक है मेरे नौ रतनों में से एक बने। तो सात्विक आप आपने मतलब जो रांची डायरीज लिखी है, आपने जब भी डायरेक्शन के लिए सोचा था तो आपने सोचा था कि जब आप अपनी फिल्म शुरू करेंगे तो ये छोटे शहर की कहानी होगी या कुछ, या आपके साथ? नहीं, शुरू से इट वाज सपोज्ड टू बी स्मॉल टाउन स्टोरी, क्योंकि मैं खुद भुवनेश्वर से हूँ, आई स्टेड इन राउरकेला विच इज वेरी नियर टू रांची, बट आई नेवर थॉट मैं रांची में ही फिल्म शूट करूँगा। इट वॉज सर्स आइडिया, जब वो लौटे थे MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी शूट करके रांची से, वॉज वेरी हैप्पी वहाँ के प्रशासन व्यवस्था सब कुछ, जो जो लाइन प्रोडक्शन टीम थी, जो वहाँ पे जो लोकल एक्टर्स थे वो एक तरह से ट्रेंड हो गए थे उस फिल्म को लेके। तो सर ने कहा कि एक बार वहाँ जाओ, फ्रेश आपको मिलेगा लोकेशंस एंड काइंड ऑफ बहुत नयापन आपको मिलेगा। सो मैं काइंड ऑफ फ़ायदा उठाया उस चीज़ का, एंड आई जस्ट वेंट फॉर अ लोकेशन स्काउटिंग एंड आई गॉट लॉट ऑफ गुड लोकेशन, अच्छे लैंडस्केप्स, एंड फिर वहाँ पे सेटअप करा के
शूट कर लिया। अच्छा, हिमांश के कैरेक्टर पे आपको हिमांश के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ी? बिकॉज हिमांश की जो एक्चुअल पर्सनालिटी है और जो फिल्म का किरदार है, क्योंकि वो पूरा यू नो वो भाषा ही अलग है, वो हिमांश ही अलग है। नहीं, ये फिल्म में जितने कैरेक्टर, सबकी कास्टिंग बहुत अनोखे तरीके से हुई। जब मैं कास्टिंग शुरू कर रहा था, मेरे लिए देखा जाए तो सबसे डिफिकल्ट कास्टिंग गुड़िया का ही था, क्योंकि वो एक मतलब बहुत ही एम्बिशियस लड़की है, बट एट द सेम टाइम शी इज नॉट वेरी रियलिस्टिक। वो विम्सिकल है, बट वो मतलब ऐसी विम्सिकल है कि वो हार न मानने वाली, मतलब रियलिटी को जो चुनौतियाँ हैं वो उससे डर के, कैलकुलेटिव ना हो के आगे सोचने वाली लड़की थी। सो उस के दौरान व्हेन आई मेट सौंदर्य, वी हैड अ गुड सेशन ऑफ रीडिंग स्क्रिप्ट, शी अज्यूम्ड उसको रोल मिल गया है, शी इज लाइक ये तो मैं ही हूँ। एंड शी वॉज फ्रेश फ्रॉम दिल्ली एंड शी वॉज नॉट यू नो यूज्ड टू द रियलिटी ऑफ यहाँ पे जो स्ट्रगल होता है, कितने बार ऑडिशन देना पड़ता है। सो अनटच्ड, मुझे अच्छा लगा वो। सो मैंने इनको बताया भी नहीं था, काफी 7-8 ऑडिशंस ले लिए थे, बिकॉज मैं उनको प्रिपेयर कर रहा था उस तरह से विदाउट लेटिंग अनो। तो सारे सबके डायलॉग्स वायलॉग रट के एकदम मेरे को और टेंशन दे दिया उन्होंने। सौंदर्य देन ऑटोमेटिकली भी वर्कशॉप्स लिए सबके, फिर सब लोग ढल गए उसमें, और क्या, सारे एक्टर्स उस कैरेक्टर में ढल गए सारे। बहुत बढ़िया। तो सौंदर्य ये बताइए, आपको बचपन से पता था आपको हीरोइन बनना आ गया? आपका नाम सौंदर्य मतलब बचपन में? हाँ, मैं बचपन से ही मुझे एक्टर बनना था। और यू नो एक्चुअली जब हम लोग ग्रोइंग एजेस में होते तब हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि पढ़ाई इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे हर किसी के पेरेंट्स का एक यही होता है कि बच्चों को पढ़ाओ, और एक वही चीज़ है जो आपको सोसाइटी में इट कैन टेक यू फॉरवर्ड। नॉर्मल हम लोग लाइक आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मिन यूपी ब्राह्मिन फैमिली, सो पीपल आर कंजर्वेटिव, सो दे वुड से कि आप पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, ये करो। क्या सरकारी नौकरी का लोड है? नहीं, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली एज इन पेरेंट्स दे थिंक ना, वो उनको जॉब का ही रहता है कि बड़े होकर पढ़ना है तो जॉब करना है, दे वोंट थिंक कि बच्चा जाके बिजनेस करेगा या सीधा एक्टर बन जाएगा। तो दे हैव डिफरेंट नोशंस अबाउट बॉलीवुड। सो अनलेस यू आर कन्विंस्ड एंड अनलेस यू आर टू पॉजिटिव टू मेक इट, तो यू हैव टू टेक अ लाइक स्टेप फॉरवर्ड। सो ऐसे ही मैं बॉम्बे आई, ऑडिशंस दिए, और करते करते बस फिर कास्टिंग हुई। इन्होंने तो पहले मुझे 6-7 ऑडिशन मेरे इन्होंने लिए सात्विक सर ने, और मुझे इन्होंने 6 ऑडिशन तक मुझे एक बार नहीं बोला कि आप हो गए हो फाइनल। इट साउंड्स लाइक अ कंप्लेनिंग टू अनुपम। या लाइक आई वाज टेलिंग हिम, मतलब इनका ये था कि मतलब 5 ऑडिशन हो गए, इसका मतलब मैं फाइनल हो गई। बॉम्बे में ऑडिशन देने के लिए भी यू हैव टू मेक अ स्पेस, इट्स नॉट कि आप हर कास्टिंग डायरेक्टर के पास गए उन्होंने लिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बिकॉज उनका भी एक प्रोसेस है, उनको जो लगता है कैरेक्टर में ठीक रहेगा वो उन लोगों को कास्ट करते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट थ्रू एवरी ऑडिशन। बट सो अपनी पहली पिक्चर इतने धुरंधरों के साथ शुरू करना आपको कैसा लग रहा है? अरे अनुपम सर, आई फील ब्लेस्ड। मैं आज यही बोल रही हूँ सबको कि आई फील ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ अ फिल्म। आई एम रियली थैंकफुल टू सात्विक दैट ही हैज कास्टेड मी फॉर गुड़िया, एंड आई गॉट टू play a character which is so important, and with Kher sir, Jimmy sir, Satish sir, itne senior actors ke saath, matlab aapko pehle lagta hai ki are kaise, ek kahin to lag raha tha ek film mil jao, aur ab first film mein aapko itne acche senior actors ke saath kaam karne ki, it's like dream coming true. So I think Gudiya jo character hai aur Sondarya, un dono ki life parallel hi chal rahi hai, and I think Ranchi Diaries and Gudiya has given wings to my dreams and Gudiya's dreams. So, I'm so lucky Gudiya, kyunki tum Mahendra Singh Dhoni se milke aayi, aapne photo dali, matlab main aisa jala hu na. Are Dhoni ka bahut bada fan hai, by the way. Dhoni ke liye page bhi chal gaya, usne ke jakad liya. Dhoni Dhoni ke filmy father se to mil liya. अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, आपको बाद में जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो आपको लगेगा हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपके जितने भी गुड मॉर्निंग ट्वीट्स होते हैं रोज पढ़ता हूं, बिकॉज आप बहुत पॉजिटिव हो, और ये पॉजिटिविटी की बात आप कर रही थी, तो स्टेज पे मतलब आपको पॉजिटिव वाला बहुत मिला होगा। जी, बहुत पॉजिटिव है, और गुड़िया खुद पॉजिटिव है, वो फिल्म में सीक्रेट पढ़ती है, वो पूरा टाइम सीक्रेट की बात करती है, पॉजिटिविटी की बात करती है, एंड आई थिंक यही हमने कैसे से सीखा है कि आपको अगर कुछ भी करना है, ही इज एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। मतलब इनके सामने मैंने गलती से कभी बोल दिया ना कि ये अगर अच्छा नहीं हुआ तो दोबारा क्यों नहीं अच्छा होगा, मतलब यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली, यू देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम, इवन इफ यू सिट नेक्स्ट टू हिम ही इज लाइक एन ओशन ऑफ नॉलेज, आप बस लेते जाओ, रिवर्स गियर नहीं है, उसमें भी आपको सीखने मिलेगा कि कैसे
कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, अपनी आंख में आंसू आ रहे हैं, यही पूछने वाला था सर कैसा लगता है नॉन स्टॉप तारीफ सुन के. अच्छा लगता है. आई थिंक आई ऑल्सो फील वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देम. आई फील कि हर इंसान जो नया होता है उसको अंदर वो डर दिखाता नहीं है, और खासकर बड़े शहर में डर दिखाता नहीं है या दिखाती नहीं है. अंदर से सब डरे होते हैं. ये एक जंगल है जहाँ पर हर इंसान एक दूसरे जानवर से डरता है, और जहाँ पर कोई मिल जाए कि भाई डोंट वरी मैं हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ यू. आई वॉज लकी कि मुझे लाइफ ने अपने अंदाज में सिखाया, एंड इफ थ्रू माई एक्सपीरियंस मैं इनको कुछ इनके साथ ये स्ट्रेंथ की बात कर सकता हूँ. आपने कहा कि मेरे आप मॉर्निंग पीस पढ़ते हैं, मैं इसीलिए सुबह सुबह मॉर्निंग पीस करता हूँ क्योंकि एक तो अपने आप को पॉजिटिव करता हूँ, एक दुनिया को पॉजिटिव करने के. हमारे आसपास बहुत ऊटपटांग चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नुकताचीनी निकालती है निकली जाती है. तो यू हैव टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी है. मैं न्यूज़ नहीं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, मैंने बंद कर दिया 1.5 साल से, क्योंकि सिवाय दुखी होने के उसमें कुछ नहीं होता. और जो इम्पोर्टेंट न्यूज आती है वो किसी ना किसी तरह से आपके पास पहुंच जाती है. बट सर रेडियो मत छोड़ेगा, हम लोग हमेशा बहुत अच्छी मैं तो रेडियो में, तो हमारा मेरा तो जन्म, मेरा तो बचपना रेडियो पर ही गुजरा है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मेरा पहला जॉब रेडियो अनाउंसर का ही लगा था, मगर पहले जॉब में मेरे को निकाल दिया गया, मैंने गड़बड़ कर दिया. निकालना बहुत जरूरी है बड़ा एक्टर बनने के लिए. मुझे जब मैं निकाला गया तो मुझे लगा अब तो मेरा जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर बच्चन को भी निकाल दिया गया. अरे चेयर कैसी ला दी आपने, ये मतलब पहले तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमारा आपका, हम आपके इंटरव्यू में यहाँ पर आप इनका दो धुरंधर लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, है कि नहीं? ये अपने आप में उपलब्धि है कि मतलब ये बेटर गाड़ी में घूम रहे हैं. सर की गाड़ी बाढ़ में खराब हो गई है, बड़ी मर्सिडीज एस क्लास है, और मैंने 33 साल काम भी किया, 508 फिल्में की है. हमको घूमने के लिए बड़ी सी ऑडी दी है, लेकिन एक क्रेटा में घूम रहे हैं. और बट सर को अंदर बैठ के मतलब ऑडी हो इनोवा कोई फर्क नहीं है, सर को सब सेम लगता है. लाइफ के प्रति आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि लाइफ बहुत अच्छी है. कंप्लेन करने को तो जिंदगी बड़ी है, जो कंप्लेन करते हैं उनको कुछ नहीं होता, बिकॉज उनको लगता है कि हमने कंप्लेन कर ली इसका मतलब काम कर लिया. उसमें भी थकान होती है तो लगता भी है, ज्यादा थकान होती है क्योंकि आप दुखी रहते हो, साथ वालों को भी दुखी करते हो. तो इफ आई कैन कम हियर एंड गिव सम काइंड ऑफ शेयर सम मोमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म हैप्पीनेस पॉजिटिविटी व्हाई नॉट. आपने अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर की थी, कितना मतलब आई थिंक एवरीबॉडी शुड वॉच इट. कब सर वापस आप कब कर रहे हैं सर? करने वाला हूँ, 2.5 घंटे का प्ले. और वो मेरे फेलियर्स के बारे में, जो चीज मेरे सही जिंदगी में नहीं है उस पर मैं हंसा हूँ, एंड दैट टुक अवे द फियर ऑफ फेलियर फ्रॉम माई लाइफ. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उस बात का फेलियर चला गया. तो रांची डायरीज जो है वो भी इसी तरह के कह रहे हैं यहाँ मेरे अंदर से नहीं आवाज आई, यहाँ से हवा चली ठंडी सी. जितनी देर तक अपनी बात करोगे सर सर हो गया ना सर बेटर, ने मान लिया पहले बार मना किया इनको बेटर बेटर बुलाने के लिए. तो एकदम मुझे लगा कि मैं बोलना शुरू करूँ. तो नहीं, आई थिंक इवन द कैरेक्टर्स ऑफ रांची डायरीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम आर लाइफ. छोटे शहरों में बड़ी एक इनोसेंस होती है, उनकी बेवकूफियां भी बड़ी कमाल की होती हैं. वो समझते हैं अपने आप को कि हम बड़े डेढ़ शाने शाने टाइप से इंसान हैं. तो एट द एंड ऑफ इट हाउ विल दे मेक, अगर 15 साल बाद भी इफ शी रिटेन्स हर ऑनेस्टी विच शी इज राइट नाउ, इफ शी रिटेन्स हर सर्टन अमाउंट ऑफ वल्नरेबिलिटी, दैट विल बी योर अचीवमेंट. अभी तो आपको काम मिलेगा, बहुत बड़े स्टार बनोगे, ऐसी क्या बात है. लाइव इंटरव्यू में भी आपको ऐसा ब्लेसिंग्स मिल रही है, मतलब ये तो अभी तो मैंने कहा, मेरे पापा तो मुझे कल परसों ही बोल रहे थे हमें लगता है कि हमने मोती दान कर दिए होंगे गलती से, तो इतना सब कुछ अच्छा अच्छा भी हो रहा है फिलहाल. मेरे पापा का नंबर दूंगा मैं, अपने पापा से बात करवाऊंगा मोती दान तो सौंदर्य जो कैरेक्टर आपका, आपको शकीरा बनना है, पॉप स्टार बनना है ऐसा, तो इसको प्ले करने में आपको कितना हेल्प लगा, साथ साथ ये सोचते हुए कि आप एक स्मॉल टाउन हो जबकि आप दिल्ली से हो. राइट, तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए, ड्रीम्स होने के लिए आप कभी भी अपने आप को उस चीज़ में नहीं ब्रैकेट में लेके आते हो कि आप स्मॉल टाउन के हो या बिग
सिटी के हो, ड्रीम ड्रीम होता है, लाइक द वे आई वांटेड टू बी अ स्टार एक्टर. तो मैं तो दिल्ली की हूँ बट स्टिल आई हैड इट. तो इट्स जस्ट द फिल्म इज सेट इन रांची एंड देयर इज अ मैसेज इन इट. सो उसको शकीरा जैसे बनना है बड़ा. यू कांट जस्ट थिंक ऑफ समथिंग, ओ आई एम लिविंग इन रांची, आई कांट जस्ट थिंक ऑफ बिकमिंग दिस, मैं कैसे अपना रास्ता ढूंढूंगी, क्या करूंगी. सो शी कैन इन टूडेज इंडिया, आई थिंक टूडेज इंडिया हैज गिवन possibility for any girl or any youngster to dream that way. Today's India is like that. Digital India, like in the film, I see on YouTube. देखिए आपके दोनों लड़कियाँ यहाँ पर हैं. They are today's. They are like gudiyas of radio. Yeah, so I think gudiya represents girl power of today's modern India. Camera घुमा लो तुम, इस समय तुम्हारी बात हो रही है. Yeah, that's an important line. What did you say? Yeah, so I just said gudiya represents girl power of today's India, modern India. Wow, 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 wow. क्योंकि हर लड़की वैसी है. हर लड़की से रिलेट करेगी. मैं ये देख रहा था सर. नहीं तुम इसकी तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी आवाज में इसका इम्पोर्टेंट डायलॉग बच गया. तो मेरे अंदर का जो जज्बा था पिताजी आप बुजुर्ग का या एक गार्डियन की क्या कर रहे हो, तो उधर घूमने उन्होंने बोला उधर, इसलिए इम्पोर्टेंट. No, he was the youngest on the set, believe me. His energy and the way he comes and just brings in the whole environment to a positivity, वो एक अलग लेवल का होता है. रात के 3 बजे भी आपको कभी नहीं लगेगा कि 3 बजे हुए हैं और ये थक गए अपना काम करके और हमारे लिए रुके हुए हैं करेक्ट करने. तो ऑफ कोर्स मुंबई में मैं स्ट्रगल के जमाने में जब मैंने 3 साल बम्बई की सड़कों पे खाक छानी है, तो मैं हर रोज अपने आप से कहता था कि जिस दिन मुझे काम मिल जाएगा मैं उस दिन कंप्लेन नहीं करूंगा. और आज मुझे 33-34 साल हो गए हैं, मैंने कभी कंप्लेन नहीं की है. मैंने कभी 2 शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया 26-27 साल से. मैंने कभी नहीं बोला कि मेरा मूड नहीं है या मैं बोर हो गया हूँ. ये मूड और बोर जो है, दिस इज द लग्जरी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. ये जो असली काम करते हैं उनको वो कभी नहीं कहते कि मतलब ये जो डिप्रेशन है, जो क्लिनिकली डिप्रेस है वो अलग बात है. मेरा मूड नहीं है यार, जरा लाइटें ऑफ कर, जरा पुराने गाने चलाओ यार, बर्फ ज्यादा डालना. I don't believe in that. आप किसी पे आसान थोड़ा कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, किसी पे आसान थोड़ा कर रहे हो. फिल्म वालों के लिए आसान हो जाता है कि अब देखो मैं आज ये कम की गहराई में घुसता चला जा रहा हूँ, मेरे अंदर की आत्मा में जो कचोट रही है और ये मैं रोल इस तरह से कर रहा हूँ. कारपेंटर का रोल और एक्टर का काम कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में उतनी मेहनत लगती है. देयर इज अ ऑनेस्ट कारपेंटर, महीन कारपेंटर, एंड देयर इज अ बैड एक्टर एंड गुड एक्टर. So but they say there are never bad actors or there are bad directors or good directors. No, there are bad actors. Plenty of bad actors. But जिस तरीके से आप करने का, आपका जो काम करने का स्टाइल है, आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया बॉलीवुड में, सबसे ज्यादा मतलब आपको क्या लगता है कि टाइम की वैल्यू समझते हुए शूटिंग टाइम पे रैप अप करा देगी कोई? That's very important economical success, especially for a film like this where you have to wrap up everything. So they were very Sattwik ने बहुत अच्छा ग्राउंड प्लान और वर्क सारा कर लिया था. 3 महीने इनके हाथ रिहर्सल की या 10 दिन पहले रांची चले गए, तो वो आसान है. और आजकल की जो जनरेशन है, अहमद से दे आर वेरी पंक्चुअल, दे आर वेरी डिसिप्लिन, दे आर वेरी वर्क कॉन्शियस, दे रियली आर देयर. क्योंकि उनका कंपटीशन बहुत है ना, उनकी हर आखिरी फिल्म उनकी डिसाइड करती है कि अगली फिल्म में लोग देखने जाएंगे कि नहीं. हमारे तो 30-25 साल निकल गए. अच्छा चल कोई बात नहीं, एक और चांस देते हैं, चल अब नेक्स्ट पिक्चर में बेचारा अच्छा कर लेगा बेटा. अब देख अरे नहीं थोड़ा सीख गया इस बार, देखो अच्छी की है उसने. एहसान थोड़ा कर रहे हैं इसी पर. ऐसा बाहर नहीं होता हिंदुस्तान के बाहर. यू हैव टू बी ब्रिलियंट. सो ऑल दोज थिंग्स आई थिंक देयर इज अ प्रेशर, बट देयर इज आल्सो एन इंस्टेंट सक्सेस. टुडे देयर इज एन इंस्टेंट सक्सेस. आई थिंक यू आर ऑलरेडी नोन एट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेसेस. पिक्चर कल रिलीज है. हमारे को तो साल लगे, मेरे को तो पहली पिक्चर मैंने 28 साल के मैं 65 साल के बुढ़े का रोल किया था. मैं थिएटर के बाहर खड़ा होता था, मेट्रो के बाहर, अंबर ऑस्कर के बाहर, कि मुझे लोग बाहर निकल के पहचाने. लोग मेरे आसपास से निकल जाते थे और मैं देखता था मेरे को किसी ने पहचाना नहीं. पर अभी भी वही होता है सर. एक से कोई नहीं पहचानता है सर. लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि सोशल मीडिया की जो पॉपुलैरिटी है और रियल टाइम पॉपुलैरिटी है, उसमें आप कितना रिलेट करते हो कि एक एक्टर का जो सोशल मीडिया पे तो बहुत पॉपुलर है लेकिन हो सकता है कि बाहर उसको लोग ना पहचाने. जैसे then it's a different issue. But recognition of hard work always gets noticed. ठीक है आपकी फिल्म नहीं चले पर अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको आगे काम जरूर मिलेगा. You see, it should not be an embarrassing film. It should not. So she is that way lucky and Sattvik has worked very hard. It's a very modern film.
which will bring a smile on your face. आप हंसते हुए आएंगे, गाने अच्छे चल पड़े हमारे, trailer लोगों को अच्छा लगता है. शकीरा की बात आपने पूछी, I'm not sure आपने research भी किया होगा. सर आपके सामने बैठना है, तो करके आएंगे. मेरा मतलब है कि थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है और interview में भी लोगों की vibes. अगर काम अच्छा ना हो, तो interview कभी अच्छा हो ही नहीं सकता. जी. मैं कितना ही उसको एक तो सर सब जानते हैं. मैं कुछ छुपा नहीं सकता.